अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेज़न जंगल सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है दुनिया में, जो कि 9 देशों में फैला हुआ। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सुरीमाना और फ्रेंच गिनी। साइंसदानों का कहना है कि यहाँ हर 3 दिन में ना कोई नया जानवर डिस्कवर होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अमेज़न के जंगल के 10 खतरनाक तरीन जानवर, जिन पर आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपना काम डाउन। 10 जायंट सेंटीपीड। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेंटीपीड की नस्ल है, जो अमेज़न जंगल में पाई जाती है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकती है। जायंट सेंटीपीड का रंग डार्क ब्लू, ग्रीन, ब्राउन से ऑरेंज येलो तक हो सकता है। इसके शरीर पर काले बैंड्स होते हैं और पीली टांगे और एंटीना होता है। इसका जिस्म लंबा और चपटा होता है, जिसमें जिस्म के 25 से 47 हिस्से और टांगों के 21 से 23 जोड़ होते हैं। जायंट सेंटीपीड अपने जिस्म के हिस्सों की सराखों से सांस लेते हैं, जहाँ ज्यादातर कीड़े मकोड़े, छोटे परिंदे, छिपकलियां, मेंढक, चूहे और कभी कभी छोटे सांप भी खाना पसंद करता है। सन 2014 में वेनेजुएला में एक 4 साल के बच्चे को एक जायंट सेंटीपीड ने काटा, उसकी वजह से वो बच्चा मर गया। 9 ब्राजीलियन रनिंग स्पाइडर। स्पाइडर का साइज सबसे ज्यादा डेडली है और ब्राजीलियन रनिंग स्पाइडर को जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर में से एक माना जाता है। साइंटिस्ट ने इस स्पाइडर को पहली बार 1900 में दरियाफ्त किया, लेकिन इसके जहर को मुकम्मल तौर पर स्टडी करने में 1970 तक का वक्त लग गया, यानी 70 साल का वक्त, और पता चला कि इसका जहर बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर ये स्पाइडर किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान 15 मिनट के अंदर ही मर सकता है, इलाज न होने की सूरत में। इन स्पाइडर की खास सूरत होती है चमकता हुआ काला जिस्म और लंबी टांगे जो कि बालों से घिरी होती है। इनके जिस्म की लंबाई 2 इंच तक हो सकती है और टांगे लगभग 4 इंच तक हो सकती हैं। ब्राजीलियन रनिंग स्पाइडर की आंखें खास तौर पर बड़ी होती हैं, जो इन्हें मूवमेंट डिटेक्ट करने में और शिकार को दूर से पहचानने में मदद करती हैं। 8 हर्बे ईगल। हर्बे ईगल दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर उकाब है। हर्बे ईगल की खास लुक होती है, जिसके फरों का फैलाव 7.5 फुट और वजन 22 पाउंड तक पहुंच सकता है। इसके पंख नरम और फ्लफी होते हैं, जो इसे ठंडे इलाकों में गर्म रखते हैं। हर्बे ईगल की पंजे बड़े और ताकतवर होते हैं, जिनकी लंबाई 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये पंजे शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए भी। अपने बड़े साइज के बावजूद अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर है। इसकी रफ्तार लगभग 70 किलोमीटर/घंटे तक पहुँच सकती है। 7 असैसिन बग। असैसिन बग्स की दुनिया में 7000 से ज्यादा इकसाम है। ये एंटार्क्टिका के अलावा दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाया जाता है। ये कीड़ा अपनी रफ्तार और ताकत के लिए मशहूर। कुछ स्पीशीज 1.5 मीटर/सेकंड की रफ्तार से मूव कर सकते हैं, जो इन्हें दुनिया के 23 कीड़ों में से एक बना देती है। बहुत से असैसिन बग स्पीशीज ने कैमोफ्लेज एबिलिटीज की सलाहियत होती है, जो इन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाने में मदद करती है। अपने इर्द गिर्द के माहौल में रंगों से मिलने के लिए रंग तब्दील कर सकती है। कुछ स्पीशीज में जहर होता है, जिसे वो अपने शिकार को एम्बुलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना ताकतवर है कि छोटे जानवरों को मार सकता है। 6 पोजन डॉट फ्रॉग। पोजन डॉट फ्रॉग अमेज़न के जंगलों में सबसे ज्यादा रंगीन जानवरों में से एक है, लेकिन मुहतात रहें, उनकी खूबसूरत रंग असल में एक वार्निंग है। पोजन डॉट फ्रॉग अपनी स्किन के जरिए से ताकतवर जहर डिस्चार्ज करता है, जो अगर बड़ी क्वांटिटी में अब्सॉर्ब कर लिया जाए तो कुछ मिनट में दिल काम करना बंद कर सकता है। गोल्डन पोजन डॉट फ्रॉग पर्टिकुलरली डेडली माना जाता है, जो इतना जहर प्रोड्यूस करते हैं कि वो 20 इंसानों को या 10,000 चूहों को मारने के लिए काफी है। 5 रेड बेली पिराना। रेड बेली पिराना का नाम सुनकर पता चलता है कि उसके पैक पर रंग लाल होता है। पिराना 12 इंच तक लंबी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर उनकी सबसे बड़ी लंबाई 6 से 8 इंच तक पहुंच सकती है। उनके पास बहुत तेज और नकीले दांत होते हैं, जो शिकार को पकड़ने के लिए और खाने के लिए बनाए गए होते हैं। रेड बेली पिराना 10 साल तक जिंदा रह सकती है। 4 जैगुआर। जैगुआर अमेज़न के जंगलों में सबसे बड़े जानवर हैं और दुनिया में शेर और टाइगर के बाद इसी नंबर पर आते हैं। उनके काटने का प्रेशर किसी भी दूसरे मेमल से ज्यादा होता है। जैगुआर्स माहिर शिकारी होते हैं, नाइट विजन और सुनने की सलाहियत रखते हैं। वो 6 फुट तक छलांग लगा सकते हैं और 80 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार तक पहुँच सकते हैं। जैगुआर्स ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। 3 इलेक्ट्रोगील। इलेक्ट्रोगील 600 वाट्स तक की बिजली पैदा कर सकती है, जो शिकार और शिकारियों को दंग करने के लिए काफी है। ये बिजली डिस्चार्ज करने की वजह दूसरे ईल से बातचीत करने के लिए और पानी में नेविगेशन करने के लिए भी यूज की जाती है। इलेक्ट्रोगील साउथ अमेरिका में फैले जाने वाले सबसे लंबी मछली है। ये मछली की सबसे बड़ी नस्ल है। इलेक्ट्रोगील 20 साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन अमेज़न जंगल में उनकी उम्र लगभग 10 से 15 साल तक हो सकती है। 2 ब्लैक कैमल।
ब्लैक कैमन सबसे बड़ा देखने वाला जानवर है और दुनिया के सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स में से एक है, जो 23 फीट तक लंबा हो सकता है और वजन 1000 पाउंड तक पहुंच सकता है। ब्लैक कैमन की खास पहचान होती है उनका काला रंग और पीला या सफेद पीठ, जो इन्हें पानी में घुल मिल जाने में मदद करता है। इनके पास ताकतवर दांत होते हैं जो 5000 पाउंड PSI तक काटने की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार में 15 मिनट तक पानी में रह सकते हैं। एक ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। इसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है और वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा। इसका खौफनाक तरीका है अपने शिकार को पकड़ने का। जगुआर्स, ब्लैक कैमन्स, वाइल्ड पिग्स, डियर और कभी कभी इंसान को भी शिकार बना सकता है। ग्रीन एनाकोंडा का रंग डार्क ऑलिव ब्राउन होता है। उनकी बॉडी पर बड़े और बारीक बारीक काले धब्बे होते हैं। उनकी आंखें और नाक बड़े सिर के ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी में डूबते हुए शिकार को देख और सुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है किसी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग और अल्लाह हाफिज़।